देवरा में जन स्वराज अभियान कैंप का शुभारंभ। प्रशांत किशोर के अभियान को और मिलेगा बल। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के देवघरा में शुक्रवार को जन स्वराज अभियान कैंप का शुभारंभ हो गया। जन स्वराज अभियान से जुड़े अक्षय आनंद ने कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में जन स्वराजी अक्षय आनंद ने कहा कि बिहार के हर जिले जन स्वराज अभियान की लहर बह रही है। जन स्वराज अभियान के प्रणेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अब तक 1.5 दर्जन जिलों में पदयात्रा हो चुकी है। 5,000 गाँव के लाखों लोगों से प्रशांत किशोर ने सीधा संवाद किया है। आगामी 2 अक्टूबर को लाखों लोगों की उपस्थिति में पटना में जन स्वराज पार्टी की घोषणा की जाएगी। उसको घर घर तक पहुंचाना और प्रशांत किशोर जी का जो लक्ष्य है बिहार को सुधारना, बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन है उसके लिए। मेरा नाम अक्षय आनंद है और आप ही के जिला जहानाबाद से हूँ और कुर्ता पजामा पहन लिए थे, इसका मतलब ये मत समझिए कोई नेता है। सबसे पहले हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि जन स्वराज है क्या, और इतना बड़ा जो आप टेंट तंबू देख रहे हैं कि वो यहाँ पे किस लिए लगाया गया है, ये बहुत लोग समझ रहे होंगे कि कोई मेला चलेगा, पिकनिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, 2 अक्टूबर आश्रम से प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा शुरू किया था। आज लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और बिहार के लगभग 25,000 गांव से भी ज्यादा प्रशांत जी यात्रा कर चुके हैं और लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में वो घर घर पैदल जा रहे हैं और लोगों को समस्या को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अक्षय आनंद ने आगे कहा कि जन स्वराज पहली पार्टी होगी जो अपने 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ घोषित की जाएगी। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ना तो चुनाव से पहले और ना ही चुनाव के बाद इस पार्टी का अन्य किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन होगा। बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन है उसके लिए हर घर में जन स्वराज कहाँ कैंप लगाया गया है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे विशेष उपस्थित भी हुए हैं और लोग छटपटाहट में हैं कि भैया व्यवस्था में परिवर्तन होनी चाहिए। तो आप भी देखते चाहते हैं कि अगर कैमरा एक बार आप जितने लोग जो स्थानीय लोग ग्रामीण लोग जो आए हैं चीज़ों को समझने कि आखिर ये है क्या, लोग को उत्सुकता भी है। आपका परिचय? अच्छा आनंद हूँ और इसी जिला का रहने वाला हूँ और मेरी बचपन यहीं बीती है, मैं पढ़ाई लिखाई भी किया हूँ और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। अक्षय आनंद ने कैंप में शिरकत करने वाले सभी लोगों से गहन प्रशिक्षण लेने और जन स्वराज की नीतियों को ग्रामीणों के बीच फैलाने का अनुरोध किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।